चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने की कवायद में लगे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक भविष्यवाणी कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार का वैसा ही हाल होगा जो हाल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार जिस भूमिका में आने का प्रयास कर रहे हैं ठीक उसी तरह की भूमिका में 5 साल पहले चंद्रबाबू नायडू थे। वो आंध्र प्रदेश में बहुमत की सरकार चला रहे थे। नीतीश कुमार तो 42 विधायकों के साथ राज्य की तीसरी पार्टी है और लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का क्या हुआ आप सब जानते हैं। हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लंगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के राज्य पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ, आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे? वो हमको हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सपा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर कहा कि विपक्ष सिर्फ चाय और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा? जनता के लिए तो कोई बात ही नहीं करता। गांवों के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो। वही प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में किशोर है, यानी कि बच्चा है। राजनीति में किशोर है, नवोदित खिलाड़ी है। अरे माफिया तंत्र बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में ये कहां संभव है? माफिया का तो वह कानूनी कमर तोड़ते हैं कि वह जेल में कराता है। हा जो राजनीति के व्यवसायिक माफिया थे, जो देश के अंदर में अपना भूमिका का दावा करते थे, वह राह राह भटक रहे हैं। क्योंकि अब सच को लोग जान गया कि राजनीति में अभी ये किशोर है।